नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार, एकदम टेस्टी और फटाफट बनने वाला। आइए बनाते हैं हम नींबू का खट्टा मीठा अचार। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो भी आप बेल का बटन क्लिक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अगर बेल का बटन क्लिक करेंगे तो ही मेरी रेसिपी आप तक पहुंच पाएगी, और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। आइए बनाते हैं हम नींबू का खट्टा मीठा अचार। और नींबू का खट्टा मीठा अचार के लिए चाहिए हमें नींबू, ये हमने कट कर लिए थे, और इसे हमने फ्रीज़र में 4 घंटे के लिए रखा, इसके आइस बन गए हैं, और इसे हम क्रश करेंगे हम अब। और ये 7 नींबू के लिए हमने लिया है 1 कप शक्कर और 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। हम पहले इसे मिक्सी में डालेंगे और इसे क्रश कर लेंगे। हमने नींबू को क्रश कर लिया है और इसे हम बाउल में निकालेंगे। हमने इसके बीज भी निकाल लिए थे, जब हम कट करते हैं नींबू को तभी उसके सीड्स निकालने हैं हमें, नहीं तो उसका कड़वापन आ जाएगा हमारे अचार। ये हो चुका है, अब हम बाकी के बचे हुए भी कर लेते हैं नींबू को क्रश। हमने पैन को गैस पे रख दिया है, इसमें हम ये क्रश किए हुए नींबू को डालेंगे। गैस ऑन नहीं किया हमने अभी। इसमें डालेंगे हम शक्कर, शक्कर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और गैस को ऑन कर लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। फटाफट मेल्ट हो चुकी है, बहुत आसान है ये अचार, नींबू का अचार बनाना बहुत आसान है ये नींबू का अचार बनाना। और इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची पाउडर से अच्छा तीखापन आता है, शक्कर से मीठा, और नींबू तो खट्टा होता ही है। और इसमें डालेंगे हम नमक, और इसे हम पकाएंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से पकाना है हमें। बहुत आसान है, फटाफट बनता है ये अचार, और बहुत टेस्टी भी होता है। इसे हमने पका लिया है, लगभग पक चुका है ये, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें। इसे हम गैस ऑफ करेंगे हम, और ठंडा होने के बाद हम निकालेंगे बोल में। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने की है कि हमें हम जब नींबू को कट करते हैं तब उसी वक्त उसके सीड्स निकालने हैं, क्रश करने से पहले, नहीं तो सीड्स अगर हम क्रश करेंगे तो कड़वापन आ जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए हमने पहले ही सीड निकाल लिए थे और बाद में नींबू को क्रश किया था। तैयार है हमारा नींबू का खट्टा मीठा अचार, एकदम आसान है, फटाफट बनता है,
ज़रूर पसंद आएगा आपको, ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए और यही सपोर्ट करते रहिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मेरा रेसिपी को लाइक भी दीजिए, उन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिए और यही सपोर्ट करते रहिए। और मैं अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में आसानी होगी। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।